नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो पाइल फाउंडेशन होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे इसको तो आपको सारा प्रोसीजर किस तरीके से पाइल फाउंडेशन हम लोग बनाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है, आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ में अभी से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो दोस्तों अब पाइल फाउंडेशन की स्टेप्स क्या होती है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब हम लोग बोरिंग करना स्टार्ट करते हैं वहाँ से हमारी पाइलिंग की जो है प्रोसेस वो स्टार्ट होती है, लेकिन दोस्तों ये हकीकत नहीं है। हम लोग अंदाज से तो बोर कर नहीं सकते ना, उससे पहले हमको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि हम लोगों को एक्चुअली कौन सा फाउंडेशन बनाना है। तो अब उसके लिए हम लोग खोद के तो देखेंगे नहीं, और खोदेंगे भी तो कितना गहरा खोद लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों सोइल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सोइल इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद ये रहता है कि आप लेयर बाय लेयर ज़मीन के अंदर ये पता करते हो कि कौन सी डेप्थ पर किस टाइप की सोइल आने वाली है या किस टाइप का स्ट्रेटा आने वाला है। दोस्तों जब आपको वो पता चल जाता है तो फिर आप उसका एक समरी बनाते हो, है ना। आप लोगों ने ड्राइंग में देखा ही होगा कि एक बोर की डिटेल दी हुई रहती है और उसमें ये बताया हुआ रहता है कि इतनी डेप्थ से इतनी डेप्थ तक इस टाइप की सोइल आ रही है दोस्तों, है ना। तो उससे ये पता चलता है हमको कि हमको यहाँ पे किस टाइप का फाउंडेशन अडोप्ट करना है दोस्तों। तो जब हम लोग बोर होल ड्रिलिंग करते हैं, इसको हम लोग SPT टेस्ट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सोइल के सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, हम लोग डीप जाते जाते हैं और सोइल के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, कौन सी डेप्थ पे किस टाइप का सैंपल आ रहा है हम लोग उसको मेज़र करते जाते हैं साथ में। जैसे ही हम लोग सोइल को निकालते हैं उसको मेज़र करते जाते हैं और साथ में हम लोग उस सोइल का सैंपल भी कलेक्ट करते जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोगों को लैब टेस्ट करने में भी आसानी रहती है, उससे हम लोग प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन से फाउंडेशन के लिए सुटेबल रहेगी सोइल वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद में हम लोग ये पता करते हैं कि हम लोगों को कौन सा फाउंडेशन अब यहाँ पे बनाना है। तो जब हम लोगों को ये पता चलता है इससे कि अब जो हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं वो फाउंडेशन डीप फाउंडेशन है, उसके बाद में हम लोग डीप फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। हम लोग पहले से ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसके लिए सोइल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। आप लोग ग्राउंड पे आके आप लोग ग्राउंड पे जाके खड़े हो जाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप का हम लोगों को फाउंडेशन बनाना है, आप लोग नहीं पता कर सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सोइल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कौन सा फाउंडेशन बनाना है। आप लोग जब भी जाते होंगे ना साइट पे, कहीं कहीं पे जब शुरू ही होता रहता है काम, है ना, जगह जगह पे शुरू हो जाता है काम, तो आपने देखा होगा एक मशीन रहती है ना, एक ट्राइपॉड लगा रहता है और एक मशीन बोर करती रहती है अंदर में, उसके अंदर पानी चलता रहता है। तो वो बोरिंग किस लिए होती है, वो इसलिए होती है वहाँ पे सोइल इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है, है ना। जब भी कोई मतलब मान लो कि कोई न्यू स्ट्रक्चर अप्रूव हो गया हो आपके काम के चलते चलते तब आपको ये देखने को मिलेगा, नहीं तो क्या होता है कि जब आपका प्रोजेक्ट चालू होता है ना, जब आप लोग प्रोजेक्ट पे पहुंचते नहीं हो उससे पहले ये सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है ना। तो इतना होने के बाद में अब हम लोग बोरिंग की प्रोसेस चालू करते हैं दोस्तों। तो बोरिंग की प्रोसेस चालू करने से पहले एक स्टेप और होती है, वो होती है सेटिंग आउट, मतलब ले आउट। आप लोग क्या करते हो इसमें, आप लोग टोटल स्टेशन की मदद से जहाँ पे आपका पाइल आने वाला है उसका लेआउट लेते हो, ठीक है। उसका लेआउट लेने के बाद में आप उन पॉइंट्स को शिफ्ट कर लेते हो अगल बगल, क्या करते हो आप लोग लाइन डोरी पकड़ते हो, लाइन डोरी पकड़ने के बाद में आप लोग सेंटर पे जो भी हमारा पॉइंट आता है उस पर लाइन डोरी पकड़ के और एक मेजरमेंट ले लेते हो, दोनों तरफ आधा आधा दो पॉइंट आप लगाते हो और दोनों तरफ आप लोग आधा आधा मेजरमेंट लेके, जैसे कि मान लो कि 4 मीटर पे आपको मतलब उस पॉइंट से 2 मीटर दोनों तरफ शिफ्ट करना है, तो आप लोग क्या करते हो कि 2 मीटर पे टेप पकड़ लेते हो और एक साइड में आप लोग कुछ भी एक मार्किंग कर लेते हो जो भी होता है, जैसे कि मान लीजिए एक रोड गाड़ दी हम लोगों ने और एक 4 मीटर पे आप लोग रोड गाड़ देते हो, है ना। तो जब क्या होता है कि जब एक्सक्यूज चालू करोगे ना तो ये चीज़ें आपको क्या है कि आपको वर्टिकलिटी चेक करने में, उसका ऑफसेट चेक करने में ये सारी चीज़ें काम आएगी, है ना। तो इसलिए क्या है कि सेटिंग आउट किया जाता है, मतलब लेआउट किया जाता है।
एक बार जब आप लोग लेआउट कर लेते हो तो फिर आप लोग जब बोरिंग स्टार्ट करते हो तब आप जो बोरिंग करने वाला मशीन वाला जो ऑपरेटर होता है उसको बताते हो कि यहाँ पे ये पॉइंट है, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है ना। वो पूरा इशारों से होता है, पूरा सिग्नल से आप लोग उस जगह पे बोरिंग मशीन को फिक्स करवाते हो। अब जब सेटिंग आउट हो जाता है तो हम लोग फिर बोरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो होता है वो ऑगर मशीन यूज़ करते हैं। ऑगर मशीन क्या होता है आप लोग देख सकते हो, आपको वीडियो में दिख रहा है, इस तरीके की एक मशीन होती है। इससे आप लोग गड्ढा खोदना चालू करते हो। जो भी आपका साइज़ है पाइल का उस हिसाब से आप लोग गड्ढा खोदना उसको चालू करते हो, है ना। तो थोड़ा सा गड्ढा खोदने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें केसिंग इंसर्ट करते हैं। तो केसिंग इंसर्ट करने से पहले गड्ढा कितना खोदना है ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी सोइल की प्रॉपर्टीज पे। जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया है उससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई हम लोग इसमें थोड़ा सा गड्ढा खोद के और फिर वापस इसमें केसिंग इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत डीप तक पहले अगर मशीन से पूरा एक्सकेवेट करना पड़ता है, उसके बाद में आप लोग केसिंग डालते हो अंदर में। नहीं तो अगर आपकी सॉइल सॉफ्ट है तो आप लोग सीधे केसिंग को उतार सकते हो, है ना। अब वो कैसे, वो अगली प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अगर मशीन से बोरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग केसिंग उतारना चालू करते हैं, है ना। जो भी हम लोगों ने पिट खोदा है ना उसके अंदर हम लोग केसिंग उतारना चालू करते हैं, ठीक है। तो जितना हम लोगों ने एक्सकेवेट किया हुआ रहता है उसमें हम लोग पहले केसिंग उतारते हैं और उसको पोजीशन पे मेंटेन रखने के लिए हम लोग मेजरिंग टेप से जो भी हम लोगों ने बाहर में जो पॉइंट मार्क किए हैं ना उनसे हम लोग ये चेक करते हैं कि ऑफसेट बराबर है या नहीं। और साथ में उससे हम लोग वर्टिकल, उससे क्या है कि वर्टिकलिटी भी आपकी चेक हो जाती है, क्योंकि जब तक ऑफसेट मेंटेन रहेगा दोनों साइड से तो आपकी वर्टिकलिटी भी मेंटेन रहेगी। अदरवाइज आप लोग वर्टिकलिटी भी अलग से आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब जब हम लोग केसिंग खड़ा कर देते हैं तो फिर जब उसको हम लोगों को अंदर में इंसर्ट करना रहता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक वाइब्रो हैमर होता है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। वाइब्रो हैमर को क्रेन की मदद से हैंडल किया जाता है और फिर उसको केसिंग के टॉप पे रख के और हैमरिंग की जाती है जिससे कि केसिंग नीचे उतर जाता है। अब ये केसिंग क्यों उतारा जाता है, तो दोस्तों केसिंग उतारने का मकसद ये रहता है कि जब हम लोग बोरिंग करते हैं दोस्तों तो जो हमारा पाइल का शेप है वो जगह पे मेंटेन रहे, उसके अलावा हमारा ऑफसेट भी ना बिगड़े, क्योंकि बार बार हम लोग जब बाहर निकालते हैं मटेरियल अंदर से तो ऑफसेट बिगड़ भी सकता है। एक तो ये कि हमारा पोजीशन एक जगह पर बना रहे, दूसरा ये कि जब हम लोग मटेरियल बाहर निकालते हैं तो आसपास की मिट्टी गिरती है ना, तो उसका शेप बिगड़ जाता है। तो इस वजह से केसिंग उतारा जाता है ना। जहाँ तक हम लोगों को पाइल फाउंडेशन उतारना है वहाँ तक नहीं उतारना है इसको, एक केसिंग उतारा जाता है। ये केसिंग डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कहाँ तक लूज़ है, क्योंकि एक टाइम के बाद में तो आपको हार्ड मिट्टी मिल जाएगी। जैसे कि आप सैंड सॉइल की बात करें, हम लोग रेत की बात करें, जब हम लोग सैंडी सॉइल में अगर फाउंडेशन बनाते हैं और मान लो कि आपको एक केसिंग में अच्छी सॉइल नहीं मिली तो आपको दो केसिंग उतारना पड़ेगी, उसके लिए जॉइंट का यूज़ किया जाता है ना। तो उस तरीके से हम लोग ये केसिंग उतारते हैं। तो दोस्तों अभी हमारे केस में फाउंडेशन अच्छा है तो हम लोग एक केसिंग उतार देते हैं पूरा अंदर तक, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग फर्दर प्रोसेस चालू करते हैं। अब एक बार केसिंग उतरने के बाद में अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उसके आसपास जो हम लोगों ने केसिंग उतारी उसके आसपास हम लोग क्या करते हैं कि एक पार बना देते हैं, है ना। मतलब थोड़ी सी हाइट पे हम लोग मिट्टी रख देते हैं उसके आसपास, मतलब एक गड्ढा टाइप बना लेते हैं। अब ये गड्ढा किस लिए बनाया जाता है, अब ये गड्ढा बनाने का रीज़न ये रहता है कि आप लोगों को बेंटोनाइट डालना पड़ता है ना। आप लोगों को केसिंग के अंदर बेंटोनाइट डालना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सकेवेट करते जाते हैं वो बेंटोनाइट क्या करता है कि वाटर की जो विस्कोसिटी है उसको बढ़ा देता है ना, जिससे क्या होता है कि वो मिट्टी में चिपक जाता है और उस मिट्टी में प्रेशर मेंटेन किए हुए रहता है। तो जब भी हम लोग एक्सकेवेट करते जाते हैं नीचे की तरफ तो वो मिट्टी वापस अंदर गिरती नहीं है, एक जैसा पूरा सरफेस बनते जाता है और हम लोग एक्सकेवेट करते जाते हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, केसिंग इंसर्ट करने के बाद में बेंटोनाइट को डालते हैं अंदर, बेंटोनाइट से पूरा इसको भर देते हैं पाइप को। हम लोग मोटर चालू कर सकते हैं या फिर हम लोग एक घोल बना सकते हैं अलग से, वो पूरा हम लोग घोल बना के स्टैंडर्ड घोल बना के और उसको और उस स्लरी को हम लोग और बेंटोनाइट की जो स्लरी रहती है उसको डालते रहते हैं। इसकी विस्कोसिटी भी हम लोगों को चेक करनी पड़ती है तो उसके लिए भी अलग से टेस्ट होता है जो हम लोग बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग प्रोसेस के बारे में जान रहे हैं तो प्रोसेस के बारे में ही जान लेते हैं। तो जब एक बार हम लोग बेंटोनाइट स्लरी डाल देते हैं तो उसके बाद में हम लोग पहले अगर मशीन से पहले मटेरियल निकालते हैं जितना
निकल रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। एक बार जब हम लोग अगर मशीन से निकाल लेते हैं, जहां तक हमारी लूज सोइल है वहां तक हम लोग अगर मशीन का ही यूज करते हैं। फिर जैसे जैसे सोइल चेंज होती है तो हम लोग यहाँ पे फिर आगे का जो मुंह है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसके आगे फिर हम लोग बोरिंग बकेट लगाते हैं। बोरिंग बकेट लगाने के बाद में फिर हम लोग एक्सकेवेशन चालू करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग एक्सकेवेशन करते रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है किसी केस में कि जैसे कि हम लोगों ने तो सोइल का इन्वेस्टिगेशन किया हुआ ही है, हम लोगों को पता ही है कि इस डेप्थ पे ये सोइल आने वाली है, लेकिन किसी किसी केस में क्या है कि हम लोग साथ साथ में ही सोइल का सैंपल भी उठाते हैं। लेकिन क्या है कि फिर भी हम लोग सोइल का सैंपल उठाते हैं ये क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ भाई हम लोगों के जो लेयर्स हैं वो बराबर आ रहे हैं हर जगह पे, तो इसलिए हम लोग सोइल के सैंपल भी साथ में लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोरिंग बकेट से एक्सकेवेशन करते जाते हैं और वहाँ तक करते हैं जहाँ तक ये बोरिंग बकेट काम करती है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब मान लो हार्ड स्ट्रेटा आ जाता है ना, तो फिर हम लोगों को इसको बकेट को चेंज करना पड़ता है ना। तो फिर हम लोग बकेट चेंज करते हैं, तो साथ साथ में हम लोग बेंटोनाइट भी पोर करते जाते हैं, क्योंकि बेंटोनाइट भी क्या है कि उसके साथ साथ बाहर निकलते जाता है ना। जब हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं तो उसके साथ साथ बेंटोनाइट भी, जो हमारी वाटर रहता है जिसमें हम लोग बेंटोनाइट मिक्स करते हैं, वो बाहर आता है। तो हम लोगों को उसमें जैसे ही मतलब लेवल कम होना चालू हो जाता है तो हम लोग वापस से उसमें बेंटोनाइट भर देते हैं। अब क्या होता है कि जहाँ तक हम लोग बोरिंग बकेट का यूज़ करके निकालते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब क्या है धीरे धीरे स्ट्रेटा चेंज होता जाता है, तो मतलब मान लो कि जैसे कि अब थोड़ा स्ट्रेटा जो है वो कड़क आने लग गया, तो वहाँ पे बोरिंग बकेट काम करना बंद कर देती है ना। वहाँ पे वो एक्सकेवेट नहीं कर पाती उसको, क्योंकि वो इस हिसाब से नहीं बनी हुई रहती है। तो फिर क्या होता है कि हम लोग बकेट चेंज करते हैं, उसको हम लोग चिजल बकेट बोलते हैं, है ना। वो छिलने वाली बकेट होती है, तो वो क्या है कि पूरा जो हार्ड टाइप मटेरियल रहता है उसको वो बोर करती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा हम लोग बोरिंग को परफॉर्म करते हैं लास्ट तक, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं और बोरिंग को परफॉर्म करते जाते हैं। अब एक बार जब बोरिंग हो जाती है, पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो अब उसके बाद में हम लोग इंसर्ट करते हैं इसमें केज, मतलब रेनफोर्समेंट। ये हम लोग पहले से बना लेते हैं, ऑलरेडी बना के हम लोग रख लेते हैं इनको, और फिर वापस हम लोग इनको इंसर्ट करना चालू करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग केज का है स्टेप बाय स्टेप इसको उतारते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला केज उतारते हैं। पहला केज जब हम लोग नीचे की तरफ उतारते हैं तो उसको क्या है, अब वो पूरा हम लोग नीचे तक तो डाल नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं फिर उसको जगह पर रोकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसका थोड़ा सा मुंह बाहर रखते हैं, फिर अगला केज उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं, है ना। मतलब साथ साथ में हम लोग उसकी लैपिंग भी करते जाते हैं और साथ साथ में उसको उतारते भी जाते हैं। और फिर पूरा केज इंसर्ट होने के बाद में फिर हम लोग उतारते हैं अंदर में ट्रिमी पाइप, है ना। ट्रिमी पाइप भी पूरा हमको नीचे तक उतारना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग आधे हिस्से में उतार रहे हो और आप लोग कंक्रीट कर रहे हो। अब ट्रिमी पाइप उतारने का मतलब ये है कि जब भी आपका कंक्रीट आप लोग डालते हो ऊपर से, तो उसका सेग्रीगेशन ना हो। सेग्रीगेशन नहीं होने का मतलब ये कि आपका जो कंक्रीट है उसका मिक्सचर वैसा ही बना रहे जैसा कि हम लोगों को ज़रूरत है ना। इसलिए हम लोग उतारते जाते हैं। अब ये भी हम लोगों को पूरा लास्ट तक उतारना रहता है, तो ये भी हम लोग पूरा लास्ट तक उतारते हैं। सेम वही प्रोसेस कि हम एक पाइप उतारते हैं, वापस से फिर दूसरा पाइप हम लोग जॉइंट करते हैं और फिर उसको फिर हम लोग नीचे की तरफ उतारते हैं। एक बार जब ये लास्ट तक उतर जाता है उसके बाद में हम लोग चालू करते हैं कॉन्क्रीटिंग। तो कॉन्क्रीटिंग चालू करने से पहले अब क्या कि जब हम लोग कॉन्क्रीट करते हैं तो साथ साथ में क्या है कि जो अंदर की तरफ वाटर जो हम लोगों ने फिलअप किया था वो फिर बाहर आते जाता है ना। तो जो हम लोगों ने गड्ढा खोदा था शुरू में जो बेंटोनाइट डालने के लिए, वो भरते जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक डीवाटरिंग पंप रखते हैं कि जब भी हम लोग कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो वो डीवाटरिंग पंप क्या करता है कि साथ साथ में उस पानी को बाहर निकालते जाता है, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे कीचड़ नहीं होता है, ठीक है। तो जब हम लोग ट्रिमी पाइप उतारते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग हॉपर को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, जिसमें से फिर हम लोग कॉन्क्रीट को डालते हैं और हम लोग कॉन्क्रीटिंग चालू कर देते हैं। साथ साथ में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रिमी पाइप रहता है उसको ऊपर नीचे हम लोग करते रहते हैं, ताकि कॉम्पेक्शन होता रहे अंदर में, या फिर कहीं पे माल अटक जाता है ट्रिमी पाइप में तो वो बाहर की तरफ निकल जाए, है ना। क्योंकि हम लोगों को एक अंदाज़ तो पड़ता नहीं है, क्योंकि डीप फाउंडेशन है, तो हम लोग अब पाइप के अंदर उतर के तो देख नहीं सकते कि भाई कहीं पे कंक्रीट फंस गया है क्या है। तो हम लोग उसको ऊपर नीचे करते हैं तो वो कंक्रीट बाहर की तरफ आ जाता है, तो कॉम्पेक्शन भी हो जाता है और साथ साथ में हमारा ट्रिमी पाइप भी खाली होते जाता है। तो जैसे जैसे हमारा कंक्रीट होते रहता है वैसे वैसे हम लोग ट्रिमी पाइप को ऊपर उठाते जाते हैं। तो अब हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि अब हम लोगों को ट्रिमी पाइप को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए हम लोग डेप्थ चेक करते हैं कि भाई कितनी डेप्थ तक कंक्रीट हो गया है। तो जब हम लोग ये चेक करते हैं
तो फिर हम उस हिसाब से उस ट्रिमी पाइप को ऊपर उठा देते हैं, ठीक है ना। एक ट्रिमी पाइप निकाल देते हैं हम लोग, वापस से वो ऊपर लगाते हैं ऊपर में, और वापस से कॉन्क्रीटिंग करना चालू कर देते हैं। इस तरीके से पूरी स्टेप होती जाती है और लास्ट तक हम लोग कॉन्क्रीट इसमें भर देते हैं। अब जब कॉन्क्रीटिंग की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, अब बारी आती है जो हम लोगों ने केसिंग डाली थी अंदर में उसको बाहर निकालने की। तो वापस से हम लोग वाइब्रो हैमर का यूज़ करते हैं और उस केसिंग को पूरा बाहर की तरफ पुल कर लेते हैं। बिल्कुल धीरे 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 हम लोग पुल करते जाते हैं ताकि जो हमारा कॉन्क्रीट है उसका जो मिक्सचर है वो वैसा ही बना रहे, होमोजेनस मिक्सचर उसका बना रहे दोस्तों। तो हम लोग लास्ट में पूरा केसिंग निकाल देते हैं बाहर की तरफ दोस्तों। तो ये होता है पूरा पाइल फाउंडेशन को कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, और देखते रहिए सिविल ज्ञान।